स्विंग आपके पास बड़ी पक्की थी या आउट स्विंग आप अच्छा करते थे, क्या करते थे जिस बात पे आप मशहूर भी हैं? मैं ज्यादातर कट बॉलिंग करता था, आउट स्विंग करता था, तो इसीलिए इस वजह से नाम भी पड़ गया जो आप बोलते हैं फिस कट्टा। तो इस वजह से हारून भाई को आपने 3 दफा आउट किया, तो मुझे लगता है कि वो नाराज तो नहीं होगा? नहीं, नाराज नहीं हो तो बड़ी इज्जत भी करते हैं आज भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अथर, फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर, और आप हैं मेरे साथ ऑन माय यूट्यूब चैनल द क्रिकेटिंग माइंड। आज मैं आया हूं न्याज स्टेडियम में। न्याज स्टेडियम में एक खास शख्सियत मेरे साथ हैं, जरूर इनसे हम बात करेंगे। और इनके बारे में थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि ये हफीज इनका नाम है और हफीज कट्टे के नाम से मशहूर हैं। वो इसलिए कि ये अपने दौर के सबसे बेहतरीन और फास्ट बॉलर थे और इनकी बॉल्स में स्विंग और इनके कटर बहुत थी, तो इसलिए इनका नाम ही इस तरह पड़ गया। लेकिन ये क्रिकेट से वाबस्ता हैं और ये पहले खिलाड़ी थे हैदराबाद के जो क्रिकेट में इंट्रोड्यूस हुए और पाकिस्तान लेवल तक पहुँचे, कैंप्स तक पहुँचे। अब वो किस तरह, क्या क्या मामला इनके रहे, आइए हम इनके साथ बात करते हैं और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में और इनके क्रिकेट के बारे में। जी, मेरे साथ ये हफीज़ भाई हैं। हफीज़ भाई के बारे में हम जानेंगे, खुद ही ये बताएंगे इन्होंने कितनी मेहनत की, किस तरह चले और क्रिकेट को किस तरह खेल रहे हैं। सब लोग बोलते हैं कि बचपन से क्रिकेट खेलते हैं, वाकई में बचपन से क्रिकेट खेलता था। मेरे एक अंकल थे वही जावेद, वो क्रिकेट खेलते थे, तो उनको देख के मुझे शौक पैदा हुआ। और उसके बाद माशाल्लाह मैंने बड़ी मेहनत की है बचपन से, और स्कूल खेला, कैंट स्कूल से खेला, फिर सिटी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज से क्रिकेट खेली, फिर सिंध यूनिवर्सिटी खेली, सिंध यूनिवर्सिटी का मैं कप्तान भी रहा, और माशाल्लाह फिर उसके बाद मैं ट्रॉफी खेली, ट्रॉफी के अंदर आउट भी किए, और माशाल्लाह फर्स्ट टाइम मेरा 78 के अंदर वनडे इंग्लैंड में नाम आया था कराची के अंदर, उसमें मैं नहीं खेल सका, बड़ी मेहनत की थी मैंने, अल्लाह की रजा थी। उसके बाद फिर मेरा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 रोज़ा मैच में सक्कर में नाम था, उसमें भी नहीं खिलाया गया मुझे, तो उस चले वो तो कुदरत की बात है, नहीं खेल पा रहा था मैं, तो मेहनत मैंने बहुत की। उसके बाद फिर मेरा श्रीलंका के अंदर वनडे में हैदराबाद में फर्स्ट टाइम जो किसी भी हैदराबाद के और सिंध के प्लेयर का नाम था, वो मेरा फर्स्ट टाइम 86 के अंदर मेरा नाम था श्रीलंका वनडे के अंदर। और उसके बाद में और काफ़ी क्रिकेट खेली है, पीसीपी से मैंने कोचिंग कोर्स भी किया हुआ है, कोचिंग भी मैंने की है, और मेरे बहुत सारे प्लेयर्स थे जो मेरे फजलुरहमान स्पोर्ट्स मैंने बनाई, उसमें सबसे अहम प्लेयर मेरा फैसल अथर था जो मेरे साथ बैठा हुआ है, और माशाल्लाह खूबसूरत प्लेयर था पाकिस्तान का ये। इसके साथ भी बस जो हुआ वो अल्लाह की तरफ से हुआ, जो इसने की मेहनत थी, जो बेस्ट प्लेयर था पाकिस्तान का ये। फिर शर्जील खान, नुमान अली, अजीम गुमन, शुएब लगारी, नईमुर रहमान, नुमान अली, रिजवान अहमद और अपना रेहान रियाज जो आजकल लाहौर में, सब बड़े मेहनती प्लेयर्स थे मेरे हैदराबाद से जो खेले पाकिस्तान, वो सारे न्याज स्टेडियम से क्रिकेट खेले, उन्होंने बहुत मेहनत की है, वो 24 घंटे स्टेडियम में होते थे, उस वजह से इन्होंने पाकिस्तान की बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। और आज फैसल अथर का माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में नाम है, इंटरनेशनल प्लेयर है, हैदराबाद का पहला इंटरनेशनल प्लेयर है जो इसमें इसमें कोई शक नहीं हफीज़ भाई के, आपकी वजह से हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करने का मौका मिला, और वो मौका मिला उस दौर में जो हम स्टेडियम में आके प्रैक्टिस करते रहे, और उसी की वजह से हमें ये फैसिलिटीज़ मिली, तो हमने बहुत मेहनत की, आगे चले, सारे लड़कों का आपने इन्वॉल्व किया, और जितने भी लड़के आपके साथ इन्वॉल्व हुए यहाँ प्रैक्टिसेज में, और उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट की, आगे तक खेलते रहे और बड़ा नाम किया, परफॉर्मेंसेज भी बहुत अच्छी की। हफीज़ भाई, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि एज अ फास्ट बॉलर कितनी कोई मेहनत करना पड़ती है, और आपने कितनी मेहनत की उस दौर में, तो इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। आप ये मैं आपको बताऊं कि हमें तो न्याज स्टेडियम का रास्ता भी नहीं पता था जिस जमाने में क्रिकेट खेलता था मैं। जीसीटी ग्राउंड पे मेहनत करता था और सुबह 6 किलोमीटर कम से कम मैं डेली रनिंग करता था, फिर जीसीटी ग्राउंड में आपने देखा बहुत बड़ा ग्राउंड था, उसमें राउंड करता था, फिर उसमें बॉलिंग प्रैक्टिस, बैटिंग प्रैक्टिस करते थे। अब तो लोगों को बहुत सहूलत थी, आप लोगों को जब खेलते थे क्योंकि आप आते के साथ ही इंटरनेशनल ग्राउंड में आ गए थे, तो हमें तो इंटरनेशनल ग्राउंड करीब से नसीब ही नहीं होता था, इसके लिए ज़्यादा इसमें मेहनत करनी चाहिए। और मैं कम से कम भी है ना, कम से कम न्याज स्टेडियम के टोटल जो 20 राउंड्स करता था मैं, और स्प्रिंट करता था और स्किपिंग करता था और फास्ट बॉलिंग करता था, सारे दिन मैंने बड़ी लंबे अरसे गेंद की है और फास्ट बॉलिंग की और जो छोड़ी तो फास्ट बॉलिंग के पे छोड़ा। जब आप में स्टेमिना ही नहीं है, आप आजकल कोई एक राउंड भी नहीं लगाता न्याज स्टेडियम का या किसी भी ग्राउंड का, मैं देखता हूँ कौन सरकी में इधर चले जाए उधर चले जाए, तो उससे तो आदमी फिटनेस उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। हमारी फिटनेस इसीलिए अच्छी थी कि हम 20-20 राउंड लगाते थे और जो स्प्रिंटर लगाते थे, तो उससे सारे दिन मैं गेंदे करता था, 30-30 ओवर मैंने किए, 35-35 ओवर में बॉलिंग करता था। और आप लोग भी देखें सारे दिन ग्राउंड के होते थे, कभी आप अनफिट नहीं हुए, कभी थके नहीं। आजकल जो फिटनेस का मैार इसीलिए कम है कि ये कौन सा आ गई है और ये नई कोचिंग आ गई है, तो इसलिए आप देखें इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग ज़्यादातर खिलाड़ी अनफिट हो जाते हैं। हमारे दौर में तो जितने भी आप देख लें पुराने क्रिकेटर, इमरान खान से लेकर सरफराज, आसिम मसूद, सिकंदर बख्श,
बाद, और कितने लेजेंड प्लेयर हैं आज तक कोई अनफिट नहीं होता। मतलब ये हफीज भाई, मैं आपको रोकूंगा कि पहले दौर में हमारे पास रनिंग ज्यादा होती थी, हम प्लेयर्स जो है रनिंग को ज्यादा फोकस करते थे। जिम वर्क होता था उस दौर में आपके? नहीं, जिम वगैरह तो हमें पता भी नहीं था, उस जमाने जिम नहीं होते थे। उसमें क्या है, आजकल क्या था, शॉर्ट रनिंग करते ना, तो इस वजह से फिटनेस का जो प्रॉब्लम है, इस वजह से आ रहा है। हम 20-20 राउंड लगाते थे, 5-5 स्प्रिंट करवाता था। आप लोगों को मैंने कितना दौड़ा है, रोजे के अंदर भी आप लोग 10-10 राउंड लगाते थे, आजकल कोई 5 राउंड भी नहीं लगाता है। इधर से गए उधर, उधर से कौन रखे, और वो क्रिकेट खत्म। तो इसीलिए लड़कों की जो है ना फिटनेस सही नहीं हो रही है, अनफिट भी इस वजह से हो रहे हैं। मैं भी माशाल्लाह, और आप भी देखो, फैसल कभी अनफिट नहीं हुए क्रिकेट। आपने 20 साल क्रिकेट खेली, माशाल्लाह कभी अनफिट नहीं हुए। मैंने इतनी क्रिकेट खेली, मैं कभी अनफिट नहीं हुआ, इसलिए हम बहुत हार्ड वर्क करते थे। आजकल के प्लेयर हार्ड वर्क नहीं करते हैं, 1-2 राउंड लगाए और फिर बैठ गए। तो जब जो हार्ड वर्क करेगा इंशाल्लाह ताला, वो ज्यादा देर तक क्रिकेट खेल सकता है। हाँ, तो आपकी बात से ये बात साबित हो गई कि पहले वक्तों में जब जिम नहीं था तो ग्राउंड वर्क को ज्यादा फोकस करते थे, जिसकी वजह से प्लेयर्स बहुत लंबा खेलते थे। तो क्या रनिंग करने से आपकी पेस को भी कोई फायदा होता है कोई, या सिर्फ फिटनेस ही इम्प्रूव होती है, या बॉलिंग को भी कुछ एडवांटेज? बॉलिंग का भी होता है कि जब आपके अंदर स्टेमिना होगा तो लंबी बॉलिंग तो आप जब करा सकेंगे ना। हफीज भाई, क्या आपको कुछ याद है आपकी बेस्ट बॉलिंग के क्लब में हो या किसी भी लेवल पे आपकी जो बेस्ट बॉलिंग हुई हो? मैं इंटर कॉलेज, तो वो आपकी बेस्ट बॉलिंग क्या रही, वो जरा याद है तो शेयर करें। मतलब इंटर कॉलेज में पब्लिक कॉलेज के खिलाफ 16 आउट किए थे और 250 भी किए मैंने उसमें किसी मैच में। बेस्ट बॉलिंग, बेस्ट बॉलिंग मैंने कराची के खिलाफ 7 आउट किए थे ट्रॉफी के अंदर। वेरी गुड। और क्वेटा के खिलाफ 6 आउट किए थे, और मैंने तकरीबन सारे पाकिस्तान के बड़े प्लेयरों को आउट किया है। ये मतलब आपके करियर की बेस्ट बॉलिंग थी जो आपको आज तक याद है? जी, बिल्कुल। वो याद करते हो तो आपको अभी भी इस दौर में भी खुशी तो होती होगी? खुशी होती है, वो मैंने बड़े बड़े पाकिस्तान के बड़े बैट्समैनों का आउट किया है। वो सारे जानते भी है, और आपने तो शायद मुझे बॉलिंग कराते देखा भी नहीं। हमने नहीं देखा, हम तो छोटे थे। आपके डैडी के साथ, और डैडी भी सीनियर थे, वो मेरे साथ क्रिकेट खेले काफी। क्या मेरे डैडी ने आपके साथ क्रिकेट खेली है? वो बस ये कि वो बिल्कुल, मैं आ रहा था और वो क्रिकेट छोड़ रहे थे। आपके वालिद बड़े अच्छे क्रिकेटर थे। जबरदस्त जबरदस्त हफीज भाई, ये वो कुछ यादें होती हैं और बातें होती हैं हर प्लेयर के साथ जब वो क्रिकेट में खेल रहा होता है, मेहनत करता है, परफॉर्मेंसेज करता है, वो परफॉर्मेंसेज हमेशा उसको याद रहती हैं, और उसको जब भी वो याद आती हैं आगे चल के लाइफ में, तो वो उसको रिफ्रेश कर देती हैं और उसको बहुत खुशी महसूस होती है। तो इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक बात हफीज भाई ने अभी ये शेयर की अपने एक्सपीरियंस के साथ, तो ये बात मानना पड़ेगी कि पहले वक्त में लोग जो है वो ग्राउंड वर्क को बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, जिम्स वगैरह नहीं थे, शॉर्टकट्स नहीं थे, प्रॉपर जो आपका जो बेस वर्क था वो ज्यादा ग्राउंड वर्क में फोकस करते थे। दैट इज वाई वो बहुत लंबा क्रिकेट खेलते रहे और बहुत अच्छे तरीके से खेलते रहे, और उनकी अडेप्टेशन जो थी और जो एडजस्टमेंट थी अकॉर्डिंग टू द क्रिकेट, वो बड़ी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, और इसीलिए इनका कैरियर में फिटनेस का प्रॉब्लम्स कभी नहीं आए इन लोगों के। मैं ये समझता हूँ हफीज भाई, जो आपने बात की, आपके कैरियर में कभी कोई फिटनेस प्रॉब्लम नहीं आया होगा? मेरे भी नहीं आए, और मेरे साथ जो बड़े बड़े पाकिस्तान के आज लेजेंड प्लेयर है वो भी देख लें, कभी भी अनफिट नहीं होते थे वो। और आज हर 2 दिन बाद एक प्लेयर हमारा अनफिट होता है, वर्ल्ड कप से भी 12 हो गए सोहेब मसूद। आप समझते हैं कि ये फिटनेस ज्यादा क्रिकेट की वजह से भी हो सकती है? जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो जाहिर है बार बार आपको ट्रेनिंग करनी होती है ज्यादा, उससे भी कोई मसला हो सकता है एज अ कोच, क्या आप कहते हैं? नहीं, आप, मैं कहता हूँ जितनी आप ज्यादा सख्त ट्रेनिंग करेंगे, मेहनत करेंगे, अल्लाह पाक उसका अजर भी देता है, और उसका वो आपको थकने नहीं देती है। मैंने बड़ी लंबी लंबी बॉलिंग की है, सारा सारा दिन ग्राउंड में होते थे, तो आप जितनी हार्ड वर्क करेंगे वो फायदा है। आजकल हार्ड वर्क नहीं करते हैं, आजकल शॉर्ट ट्रेनिंग करते हैं, तो बॉलिंग भी शॉर्ट ही होती है। आप देखें 5 ओवर से ज्यादा हमारे बॉलर बॉलिंग नहीं कर सकते, और हमें तो 5 ओवर के बाद पता ही नहीं चलता था। हम सोचते थे कि हम 30-40 ओवर करें तो जब जाके हमें पता चलता था कि आज हमने बॉलिंग की है। आज 10 ओवर कोई बॉलर हमारे पाकिस्तान के भी नहीं कराता है 10 ओवर। यानी हम क्रिकेटिंग टर्म्स में एक बात करते हैं, जो जनरली है कि बॉलर्स कुछ ऐसे होते हैं जो डीजल इंजन होते हैं, जो 4-5 ओवर के बाद स्टार्ट होते हैं। सही है। और आजकल जो है वो 4-5 ओवर के बाद खत्म हो जाते हैं। तो ये चीजें चलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया हफीज भाई आपका, और आपके आपके ये थॉट्स शायद किसी के काम आएंगी, और ये बात वाजे हो गई कि पुराने क्रिकेटर्स का दौर और स्टाइल और नए क्रिकेटर्स का दौर और स्टाइल किस तरह रहा, उनकी एटीट्यूड और उनका जो टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स या ट्रेनिंग क्या था, ये आपने आप जानने की कोशिश की। और हफीज भाई मेरे साथ हैं क्योंकि इनका मेरा ताल्लुक एक ग्राउंड के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से बहुत रहा, जो आपको मैंने मेंशन किया। और जितने भी क्रिकेटर हैदराबाद में जिन्होंने नाम किया और काफ़ी परफॉर्मेंसेज की क्रिकेट में, वो जाहिर है इस ग्राउंड में प्रैक्टिसेज की, और हमें ये एज था हफीज़ भाई इस ग्राउंड में मौजूद थे, इनकी वजह से हमारी ये प्रैक्टिसेज, हमें इन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की,
तो हमने काफ़ी कुछ सीखा, एनहांस किया और हम बहुत लकी रहे इस चीज़ इस मामले में। बहुत शुक्र है अल्लाह ताला का, और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि जिस जो भी चीज़ें हमने क्रिकेट में हासिल की हैं उस पर हम प्राउड करते हैं। और मेरे ख्याल में आप भी इस चीज़ पे जो आपने लाइफ गुजारी उस पर खुशी होंगे आप, और जाहिर है क्या मिला किसी को क्या नहीं मिला ये तो किस्मत की बात होती है, लेकिन जो लोग आगे जा रहे हैं उनके लिए दुआएं भाई। आप तो बड़े अच्छे क्रिकेटर थे और मेरे ख्याल पाकिस्तान में आप जैसा तो कोई खिलाड़ी नहीं था। बस ये वही वाली बात है कि जो आगे चले गए वो सब किस्मत की बात होती है, और वी आर वेरी हैप्पी कि हमने जो भी कुछ किया और फीलिंग प्राउड। लेकिन ये वो प्लेयर हैं जो पुराने वक्त में अपने स्टाइल से खेलते रहे और जबरदस्त तरीके से क्रिकेट खेलिए। सो आप बी विद मी ऑन माय यूट्यूब चैनल, मिलते हैं हम दूसरी पर्सनालिटीज के साथ भी, और अब हैदराबाद को भी थोड़ा सा हाईलाइट करते रहेंगे, लोगों को भी हाईलाइट करते रहेंगे, वो लोग जिनको आप आजकल थोड़ा सा भूलते जा रहे हैं, थोड़ा सा हम उनकी जिंदगी को देखेंगे क्योंकि सारे लोग इंपॉर्टेंट हैं एंड जाहिर क्रिकेट से मुताल्लिक हैं, क्रिकेट में इन्वॉल्व रहे। सो मिलते हैं दूसरी वीडियो में डिफरेंट प्रोग्राम के साथ और डिफरेंट थॉट के साथ।